उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जहां 24 घंटे में डेंगू के मरीजों की संख्या 13 हो चुकी है, तो वहीं अब यह संख्या प्रदेश भर में 300 के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी के साथ नैनीताल में भी सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून ने इसे एक बड़े अभियान के तौर पर लिया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए नगर के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि सभी वार्ड में सफाई अभियान एक वृहद रूप में चलाया जा रहा है। इसके साथ ही फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम की तरफ से स्थानीय जनता से भी अपील की जा रही है कि वे भी इस भयावह स्थिति में नगर निगम का सहयोग करें। इसके साथ ही मेयर ने कहा कि समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करें, बैठक की भी जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार निगम जो है उससे फॉगिंग कर रहा है और आज मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया है क्योंकि बरसात जो है समाप्ति की ओर है। अभी तापमान जो है हमारा बहुत ज़्यादा है तो अभी एक डेढ़ महीना ये समस्या रहेगी, इसलिए नगर निगम अपने स्तर पर चाहे फॉगिंग हो चाहे जहाँ पानी इकट्ठा होता हो उसको लार्वा को नष्ट करने के लिए आज मैंने एक टीम बुलाई है और उसको जो है हम इसको बड़े स्तर पर इसको अभियान को चलाकर देहरादून से लार्वा नष्ट करेंगे।